दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम थ्री फेस एनर्जी मीटर का वायरिंग करना सीखेंगे। दोस्तों, थ्री फेस एनर्जी मीटर का वायरिंग बहुत ही आसान होता है। दोस्तों, यदि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो आपको दोबारा आपके लाइफ में थ्री फेस एनर्जी मीटर का वायरिंग डायग्राम देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों, इसके लिए बस आप एक बार इस वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देख लीजिएगा। दोस्तों, ये हमारा थ्री फेस एनर्जी मीटर है, ठीक है। अब इस एनर्जी मीटर में टोटल 8 टर्मिनल होते हैं। इन्हीं 8 टर्मिनल पे हमें थ्री फेस सप्लाई और न्यूट्रल सप्लाई को कनेक्ट करना पड़ता है, ठीक है। दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, ये जो हमारा एनर्जी मीटर है, इसका इनकमिंग पावर सप्लाई के लिए हम यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक पोल का उपयोग करेंगे। इस इलेक्ट्रिक पोल के द्वारा हम एनर्जी मीटर को पावर सप्लाई देंगे। ये जो हमारा एनर्जी मीटर है, इस एनर्जी मीटर से आउटगोइंग पावर सप्लाई हमारा एक डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये हमारा थ्री फेस डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड होगा, ठीक है। इस डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में एक मेन एमसीबी लगाया गया, ठीक है। ये हमारा 4 पोल का एमसीबी होगा, ठीक है दोस्तों। दोस्तों, वायरिंग सीखने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इस वीडियो पे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। आपके लाइक और कमेंट ही मुझे इंस्पायर करते हैं कि आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियो बनाऊं, ठीक है दोस्तों। तो प्लीज लाइक कमेंट कर दीजिएगा, और यदि आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो हमारा इलेक्ट्रिक पोल है, इसमें 4 वायर है, 3 फेज सप्लाई हो जाएगा और एक न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों, एनर्जी मीटर का वायरिंग करने के लिए हम इनकमिंग पावर सप्लाई इस इलेक्ट्रिक पोल से लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि ये जो हमारा इलेक्ट्रिक पोल था, इसके एक वायर से हम एक वायर को कनेक्ट करके हमारा जो एनर्जी मीटर है उसके पहले वाले टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देंगे। अब इस वायर को हम मान लेते हैं कि ये हमारा रेड फेस हो गया, यानी कि आर फेस हो गया, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, ये जो पहला टर्मिनल था ये हमारा आर फेस के लिए हो गया, तो सेकेंड वाला टर्मिनल भी आर फेस का आउटगोइंग सप्लाई हो जाएगी, ठीक है। यानी कि पहला वाला टर्मिनल इनकमिंग हो गया और दूसरा वाला आउटगोइंग हो गया, ठीक है। अब आउटगोइंग वाले को हम क्या करेंगे, हमारा जो मेन एमसीबी है उसके इनकमिंग टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देंगे, ठीक है दोस्तों। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पहला टर्मिनल आर फेस के लिए इनकमिंग हो गया और दूसरा टर्मिनल आर फेस के लिए आउटगोइंग सप्लाई हो गया, ठीक है दोस्तों। आप देखिए, अब हम क्या करेंगे, वाई फेस के लिए यहाँ से वायर को कनेक्ट कर देंगे और इसको तीसरे नंबर टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देंगे, ठीक है दोस्तों। सेम चीज होगा, यहाँ पे भी 4 नंबर टर्मिनल हमारा वाई फेस का आउटगोइंग हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से एक वायर को कनेक्ट करके एमसीबी के सेकंड वाले टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देंगे, ठीक है दोस्तों। बी फेस के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से एक वायर को कनेक्ट करके हमारा जो एनर्जी मीटर है उसके 5वें नंबर टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देंगे। 5वां नंबर टर्मिनल हमारा बी फेस का इनकमिंग सप्लाई हो गया, तो 6वां नंबर टर्मिनल हमारा आउटगोइंग हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे हम एक वायर को कनेक्ट करके हमारा जो एमसीबी है उसके 3रे नंबर टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देंगे, ठीक है दोस्तों। अभी हमने यहाँ पे तीनों फेस का कनेक्शन कर दिया है, अब हमारा न्यूट्रल बच गया। न्यूट्रल सप्लाई का कनेक्शन करने के लिए हम यहाँ से एक वायर को कनेक्ट करके हमारा जो एनर्जी मीटर है उसके 7वें नंबर टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। अब न्यूट्रल सप्लाई का आउटगोइंग हमारा 8वां नंबर टर्मिनल हो जाएगा, ठीक है। तो 8वें नंबर टर्मिनल से एक वायर को कनेक्ट करके एमसीबी के लास्ट वाले टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देंगे, ठीक है दोस्तों। आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारा जो एनर्जी मीटर है उसका कनेक्शन हो गया है। अभी देखिए दोस्तों, ये जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है उसका वायरिंग किस प्रकार से किया जाता है उसके बारे में भी थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। यहाँ पर हमने क्या किया है कि 3 एमसीबी का ग्रुप बना दिए, ठीक है। और जितने भी एमसीबी है यहाँ पे सिंगल पोल के एमसीबी है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर हम 3 फेस वायरिंग का उपयोग घर के लिए कर रहे हैं। घरों में हमें नॉर्मली सिंगल पोल एमसीबी का उपयोग करना पड़ता है, ठीक है दोस्तों। अभी देखिए, यहाँ पर हमने 3 एमसीबी का ग्रुप बनाया है, ठीक है। और हर एक ग्रुप के लिए हमने अलग अलग फेस सप्लाई दिए। आप यहाँ पे देख सकते हो कि इस एमसीबी के ग्रुप के लिए आर फेस और इस एमसीबी के ग्रुप के लिए वाई फेस और इसके लिए बी फेस को कनेक्ट किया, ठीक है। और जो हमारा न्यूट्रल सप्लाई होगा उसको हमने डायरेक्टली टीवी के साथ कनेक्ट कर दिया, ठीक है। यहाँ से हम न्यूट्रल सप्लाई का उपयोग कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। अब ये जो हमारा एमसीबी का ग्रुप है उनको पावर सप्लाई के लिए हमने क्या किया, यहाँ जो मेन एमसीबी था उसके आउटगोइंग टर्मिनल से वाई को कनेक्ट करके यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, ठीक है। और इनके जितने भी इनकमिंग टर्मिनल्स होंगे उनको आपस में वायर के साथ कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। यानी कि वायर के द्वारा शॉर्ट कर देंगे, ठीक है। अब जो आउटगोइंग टर्मिनल्स होगा उसमें वायर को कनेक्ट करके हम लोड के साथ कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। सेम चीज हम अलग अलग फेस सप्लाई के लिए भी करते हैं, ठीक है दोस्तों। दोस्तों, यदि आपके घर में 2 फ्लोर है तो आप हर एक फ्लोर के लिए अलग अलग फेस सप्लाई का उपयोग करिएगा, ठीक है दोस्तों। एग्जाम्पल के लिए ग्राउंड फ्लोर के लिए आप आर फेस का उपयोग कर लीजिएगा, फर्स्ट फ्लोर के लिए वाई फेस और सेकेंड फ्लोर के लिए बी फेस का उपयोग कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, कुछ इस प्रकार से हम 3 फेस एनर्जी मीटर और मैन पावर डीवी जो होती है 3 फेस सप्लाई के लिए उसका कनेक्शन करते हैं। तो दोस्तों, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो पर लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।